यू आर मेड फॉर समथिंग गुड एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन योर लाइफ। हेलो बच्चों, माय नेम इज अक्षय अरोड़ा एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट 7 days स्ट्रैटेजीज टू फॉलो बिफोर गिविंग द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। स्टॉप स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। कोई भी नई किताब नहीं उठानी है आपको, कोई नया कॉन्टेंट नहीं उठाना है आपको, अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। आप जैसे जैसे एग्जाम के पास आते जाएंगे आपका फियर बढ़ता जाएगा, आपकी एग्जाइटी बढ़ती जाएगी, आपको लगेगा मैं बहुत चीजें भूल रहा हूं, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप यकीन मानिए आपको सब आता है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना, नया वीडियो नहीं देखना। स्टॉप कंपीटिंग विद अदर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लास्ट के 7 days में मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी AIR जज करते हैं, वो देखते हैं हमारा कितना लेवल है और बच्चों के कंपैरिजन में, वो YouTube लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, उसमें मेंटी क्यूज देते हैं और बच्चों के कमेंट्स देख के उनका जल्दी आंसर आ रहा है लेकिन उन बच्चों का आंसर जल्दी नहीं आ रहा होता। तो औरों से कंपैरिजन करके अपने आप को डाउन फील मत करिए, जो आपने पढ़ा है उस पे विश्वास करिए। रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट नोट्स। पूरे ईयर लॉन्ग जब भी आपने जेईई की प्रिपरेशन की है तो आपने कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने माइंड मैप्स बनाए होंगे कि इस तरीके से इस चैप्टर को याद किया जा सकता है। उन शॉर्ट नोट्स को रेफर कीजिए। बहुत सारी आपने मिस्टेक्स की होंगी, उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा, उन मिस्टेक्स को एक बार देखिए। बहुत सारी किताबें आपने सॉल्व करी होंगी, उनमें हाईलाइटेड टेक्स्ट करे होंगे, उन हाईलाइटेड टेक्स्ट पे जाइए। ट्रेन योर ब्रेन फॉर जेईई एट द टाइम ऑफ जेईई ड्यूरेशन शिफ्ट। दैट मीन्स अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर आपका इवनिंग शिफ्ट है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो मान लीजिए 9 से 12 का टाइम है, तो 9 से 12 में आप अपना फुल एफर्ट डाल दीजिए पढ़ाई में। आप अपनी हैबिट बनाइए, ब्रेन को हैबिट दीजिए कि वो 3 घंटे काम कर सके। उन 3 घंटे में आप एक मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए जो कि फुल कोर्स होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, उससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा और एग्जाम ड्यूरेशन में आपको लेथार्जिक फील नहीं होगा। अवॉइड हार्श फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पर आकर बहुत ज्यादा हार्श एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, लेकिन अभी बॉडी बिल्ड नहीं करनी है, अभी आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा फिट महसूस करना है। तो उसको महसूस करने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है। डेली 6 to 7 times आप कहीं ना कहीं स्किपिंग कीजिए, आप स्टेपिंग कीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कोई इंजरी ना हो। आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज को एंजॉय करने के लिए दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार खड़े होकर जोर से चिल्लाइए, पावर 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 आई विल क्रैक द जेईई, पावर 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 आई विल क्रैक द जेईई। इंडल्ज योरसेल्फ इनटू अ हेल्दी रूटीन। डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, शुगर को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा लेथार्जिक फील करेंगे, डाउन फील करेंगे। बहुत ही लाइट चीजें खाइए, ऐसा ना हो कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और ऐसा भी ना हो कि आप अंडर ईटिंग कर रहे हैं, बस उतना खाइए जितना आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशन की जरूरत है। प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट बिफोर जेईई एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बहुत देर तक उस रात को पढ़ते हैं जिससे अगले दिन हमारा जेईई का एग्जामिनेशन होता है। तो उससे जेईई के एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तक आपको जो स्लीप लेनी है वो मिनिमम 6 to 8 hours की लेनी है। जब आप 6 to 8 hours की स्लीप लेकर जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे और जेईई का पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने स्लीप रिड्यूस कर दी अपनी है तो फिर उस वक्त आपको लेथार्जिक फील होगा जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमें नींद नहीं आती है, उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि जस्ट जेईई से एक दिन पहले वाली जो रात होगी उससे भी पहले वाली जो रात होगी उसमें आप जल्दी उठ जाइए। सुबह आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, जिससे आपको जेईई से एक नाइट पहले नींद प्रॉपर आ सके। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। अवॉइड नेगेटिव मार्क्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं और वो फिर वो तुक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको तुक्के लगाना अवॉइड करना है, अपने ऊपर बिलीफ रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, आप बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। बस अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसके पीछे मत पड़ जाइए, एक मिनिमम टाइम है 3 मिनट्स का, वो उस क्वेश्चन पे स्पेंड कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप स्किप द क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट। पेपर में ढूंढिए कौन सा टॉपिक है जो आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही आसान टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, और आपको पता है कि अगर मैं इसका क्वेश्चन हिट करूंगा तो मुझसे बन जाएगा, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन ढूंढिए मैथमेटिकल रीजनिंग का कि वो कहां पर है, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। सो लास्ट लाइन बच्चों आप लोगों के लिए, यू आर मेड फॉर समथिंग गुड एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन योर लाइफ। या तो जेईई का पेपर क्रैक होगा या नहीं होगा, दोनों ही सिचुएशन में आप बहुत अच्छा करने के लिए बने हैं। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये जेईई का पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आपकी विल, आपकी स्ट्रेंथ
और आपकी पावर चीजों को ग्रास्प करने की, चीजों को लर्न करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर जेई एग्जामिनेशन।